छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 2 सितंबर को नया रायपुर में आयोजित राजीव मितान सम्मेलन के बाद फेंके गए खाने का सेवन करने से लगभग 45 गायों की मृत्यु हुई है, जिसके लिए सीधे तौर पर इस आयोजन के यजमान भूपेश बघेल और मुख्य अतिथि राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अजय चंद्राकर ने कहा कि पिछले 4.5 साल में भूपेश ने कई आपराधिक कार्य किए हैं, लेकिन गौ हत्या कर इस सरकार ने पाप किया है। इस पाप से मुक्ति के लिए कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आकर भिक्षा मांग कर पाप मुक्ति कुंड में स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं धुलेगा। प्रिय मित्रों, बहुत ही दुखद विषय है। 2 सितंबर को कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी को बुलाकर एक नौजवानों का मजमा लगाया। श्री भूपेश बघेल जी ने, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हैं, 1 अरब 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा राजीव गांधी मितान क्लब नाम की संस्था को रेवड़ी के रूप में बांटा है। वो लोग यहाँ पहुंचे, उनके लिए किसी एजेंसी ने खाना बनाया, देश की एजेंसियों ने कहा कि कांग्रेस आपराधिक आय से चल रही है, ये खाना आपराधिक आय से बनाया गया था, ये आयोजन आपराधिक आय से आयोजित हुआ था। दूसरे दिन इस खाना को खाकर 45 से ज्यादा गौ माताएं आज की तारीख तक मर चुकी है। इस गौ हत्या का पाप किसके ऊपर लगेगा? श्री भूपेश बघेल जी और श्री राहुल गांधी जी यदि सनातन धर्म के मूल्यों में, परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो ये जान ले कि गौ हत्या का पाप कितना बड़ा माना गया है। किसी भी हत्या से ज्यादा बड़ा पाप गौ हत्या को माना गया। आपके ऊपर ये पाप लगेगा, छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर ये पाप लगेगा। हम छत्तीसगढ़ के लोगों को तो इस पाप से मुक्त करवा देंगे, लेकिन आपको ये कहना चाहते हैं कि पाटन के पास ही बान बरद में ही भगवान विष्णु का मंदिर है, वहां पर 21 दिन तक भिक्षा मांग के धन और अनाज एकत्र करके उस राशि से यज्ञ होगा, और यज्ञ के बाद आप पाप मोचनी कुंड में स्नान करेंगे तो गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। कब आप श्री राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ बुला रहे हैं? कब आप भिक्षा मांग के कर्मकांड करवा के छत्तीसगढ़ की जनता को गौ माता के हत्या के पाप से मुक्ति दिलाएंगे? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और यदि ये काम आप नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी, ऊपर वाला तो माफ करेगा ही नहीं। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो हम ये आयोजन करवा के छत्तीसगढ़ की जनता को तो अवश्य गौ हत्या के पाप से मुक्त करवाएंगे, लेकिन आप तैयार रहिए इस पाप को भुगतने के लिए। छत्तीसगढ़ की धर्म भीरु जनता माफ नहीं करेगी आपको, और आपके आयोजन से छत्तीसगढ़ की जनता आहत हुई है, उसकी आप कभी भरपाई नहीं कर पाएंगे।